तो भाई आज तो कमाल हो गया इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी आज हिंदुस्तान ने फैंटी लगा कि वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया विल नॉट स्टॉप on anything less than a, than a win यार ये जीत नहीं है ये कारनामा है 1988 1988 वाज द लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ गाबा में हारा था 1988 से हारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो जाते हैं, 32 33 इयर्स और इंडिया की एक ऐसी टीम ने जो जिसमें डेब्यूटेंट्स हैं दो डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं और उन्होंने हरा दिया वाह wow. तारीख 19 दिसंबर 2020 हज़ार छत्तीस पर ऑल आउट और फिर ठीक उसके एक महीने बाद वही तारीख 19 जनवरी 2021 और टेस्ट सीरीज़ दो एक से भारत के नाम शायद बहुत लोगों को यह अकल्पनीय लगे पर ऐसा नौजवान भारतीय टीम ने कर दिखाया और बॉर्डर गवास ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम करने में सफल रहे वैसे तो जीत के बाद सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों और क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से लगातार बधाई संदेश भारतीय टीम को आ रहा है पर आश्चर्यजनक रूप से पहले बधाई देने वालों में पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान इजमामुल हक का नाम भी शामिल है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट यात्रा के कुछ और रोचक पहलुओं पर इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे पर उसके पहले सुनते हैं पाकिस्तान की मीडिया में भारत की इस जीत पर किस प्रकार से तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं वैसे तो दूसरों की तारीफ अच्छी लगती है पर अगर यह तारीफ़ पाकिस्तान की ओर से हो तो और अच्छा लगता है तो भाई आज तो कमाल हो गया इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी इंडिया ने बड़ी सीरीजें जीती होंगी ये नहीं मैं कह रहा लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने यंग प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल में इंडिया ने नहीं किसी भी टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती होगी और कमाल है क्योंकि ना बॉलर्स आपको आउट करते हुए नजर आते हैं सारी आप कर लेते हैं कि जी दूसरी टीम में भी हो सकता कर दे लेकिन सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ रन करना दूसरी इनिंग्स में भाई ये कमाल है क्योंकि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया इतनी यंग टीम के साथ अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो इस टेस्ट मैच से पहले जो बॉलर्स थे उनकी टोटल विकटें तेरह थी और अभी भी जो टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है इसकी बॉलिंग ने 50 आउट नहीं कर रखे 50 आउट नहीं है बल्कि कह रहे 40 आउट भी नहीं है 35 आउट भी नहीं है लेकिन ये जला कमाल कर दिया इन लड़कों ने वाकई और सही और अगर जितनी बैटिंग की तारीफ की जाए देखो बात चीजें ना कहने में बहुत आसान होती है करने में बहुत मुश्किल होती है अब मैं क्रिकेट खेलना हुआ तो मुझे थोड़ा सा जरा आइडिया है इस चीज का अगर जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है और लोगों ने बहुत उस पर वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिजबिन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी मैंने कहा हाँ जरूर मारना चाहिए हिंदुस्तान को मारना चाहिए हराना चाहिए उनको और बिल्कुल टाइम सीरीज नाम करनी चाहिए लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहां से ये सीरीज जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक मैन होंगी 20 अनफिट खिलाड़ियों के साथ हिंदुस्तान एक आधी टीम के साथ जाता है फिर जिसमें दो सीनियर प्लेयर आते हैं गिल की बात नहीं करते सुंदर की बात नहीं करते चलें हम ऋषभ पंत की बात नहीं करते चले छोड़े अभी अभी वो सारा छोड़ देते हैं अभी अब बात नहीं करते उनपे क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो आपने देख ली हैं जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन डी ऑर्डर आके वो कुट कुट के बुरा हाल कर देगा वो तो चलो आपने देखा ही है लेकिन जब वो हार गए 36 रन से ऑल आउट हुए जिस तरह वो कम बैक कर गए हैं अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं ये अब आपको नोच के खाएंगे आपको मार देंगे इसलिए मार देंगे क्योंकि मुझे पता था कि जब टीम है जब ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो जाती है और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो कश्तियां जला के अब अंदर जाना है तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है ये ह्यूमन कैपेसिटी में हर बंदे की कैपेसिटी में होता है कि वो एक्स्ट्रा कर सकता है लेकिन ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत जरूरी है वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने और उस फैंटी के बाद जिस तरह यू, हुए हैं ये बात तो आप माने हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई दिखा है वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी आज हिंदुस्तान ने फैंटी लगा कि वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है जिसकी शायद uh, उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया विल नॉट स्टॉप ऑन एनीथिंग लेस देन देन वॉट मैच वॉट एन एडवर्टीजमेंट टू टेस्ट क्रिकेट

यार वाह कमाल हो गया जबरदस्त हो गया पैसा वसूल हो गया इतने दिन जो आपने मेहनत की आपके साथ मैंने मेहनत की हम लगे रहे दिन रात करने पे क्रिटिसिज्म सहा ये सहा और, और ते, सवेरा आज हो जाए वो बात सवेरा जो आपने जो आपने डे वन पे जो बात की थी आज वो बात हो जाए क्योंकि डे वन पे तो लोगों ने बड़ा आपको बोला था सवेरा ये क्या कर रही है आप ऑस्ट्रेलिया को चांसी दे रही है आप इंडिया को व्यूज के लिए बोले जा रही है अब बोलते हैं आप प्राउडली लाउड एंड प्राउड गाबा में टीम ऑस्ट्रेलिया का बर्बादा ये हुआ है भाई कितने साल बाद टीम इंडिया हैज क्रिएटेड एंड द हिस्ट्री और जब ये बात बार बार मुझे लग रहा था आई हैड दस ऑड फीलिंग दैट टुडे to, यानी कल बात की थी येस्टरडे के कल जो आने वाला दिन है जो आज है इस दिन हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाएगा इंडिया रिपीट्स 2018 विदाउट विराट कोहली विदाउट ईशांत शर्मा विदाउट भुवेश्वर कुमार विदाउट जसपीत बुमरा विदाउट मोहम्मद शमी विदाउट ऑल देयर फर्स्ट चॉइस रिसोर्सेस फर्स्ट चॉइस इलेवन दे है फुल फ्लैच फर्स्ट चॉइस ऑस्ट्रेलियन साइड और इससे honesty. बड़ी

आप अप्रोच की बात करें कि जो इस, इन्होंने अप्रोच इख्तियार की है अगर आप गिल की अगर बैटिंग देखें उसने 91 वन की वन फोर्टी की बॉलिंग से 146 बॉल्स पे यानी कि शुरू से पहली बॉल से इनके माइंड में ये ड्रॉ का नहीं था कि जी इन्होंने कहा कि जी हमने जीतने के लिए जाना है 62, 63 के स्ट्राइक रेट से पांचवें दिन खेलना ऑस्ट्रेलिया में और ये गिल भी कोई ऐसा पुराना प्लेयर नहीं है कि तीन से दो से तीन टेस्ट मैच इसके हिस्से में है तो इस टाइम यह लिए अप्रोच करना ये वाकई वैसे कमाल है कि, कि जो अप्रोच है अगर अच्छा इसमें मैं रायने को अजंके को बड़ी अप्रिशिएट करूंगा कि जहां छत्तीस पे आप आउट होने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में आप इंटर हो रहे हैं आपको कैप्टनसी मिली है और आपका बेहतरीन प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो वापसी चला गया है और आप इस बुरे तरीके से टेस्ट मैच में, हार में, वहां से टीम को लीड करना और वहां से इस पोजीशन पे लेके आना क्योंकि जी दो एक से आप सीरीज जीतना ये जी अनबिलीवेबल है अगर आप टीम एक यूनिट होके खेले और जज्बा हो प्लेयर्स में तो इतने बड़े नाम ना भी हों तो आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं तो बॉलिंग लाइन नई सारी अश्विन अनफिट, अनफिट, ठीक है, बुमराह जो रेगुलर जितने रेगुलर प्लेयर्स थे इंडिया के वो तकरीबन सारे बाहर हो गए थे ये पूरी पूरी नई नई टीम टीम थी, टीम ने ना इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जीत नहीं है ये कारनामा है बिना किसी नियमित कप्तान बिना किसी स्टार खिलाड़ी और आधे से अधिक खिलाड़ी जख्मी और 36 ऑल आउट का शुरुआती झटका इन सब के बावजूद परिणाम दो एक से भारत के नाम यह तथ्य विश्व क्रिकेट इतिहास के पन्नों को जब भी कोई पलटेगा तब जरूर सामने आएगा निर्विवाद रूप से चौथे और अंतिम निर्णायक टेस्ट मैच के हीरो ऋषभ पंत रहे जिन्होंने एक गेंद पर नवासी रनों की शानदार पारी खेली और इसके पहले भी जब 36 रनों पर भारत ऑल आउट हुआ था उस मैच में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा नौ रन बनाए थे लेकिन इन सब के बावजूद शुभम गिल जिन्होंने एक गेंदों पर इक्यानवे रन बनाए और पुजारा जो जख्मी होने के बावजूद क्रीज पर डटे रहे और अर्धशतक अपना शानदार तरीके से पूरा किया इनके योगदान को भी इस टेस्ट मैच के जीत में नहीं भुलाया जा सकता बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की शुरुआत उन्नीस के टेस्ट सीरीज से हुआ जिसके अंतर्गत पहला टेस्ट मैच 10 अक्टूबर उन्नीस को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिन बॉर्डर और भारत की तरफ से सुनील गवास्कर दो ऐसे महान टेस्ट खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपने अपने देश के लिए दस हजार से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए उन्नीस से लेकर आज उन्नीस जनवरी दो तक जितने भी टेस्ट मैच खेले गए हैं उनमें भारत का पड़ा भारी रहा है भारत ने 22 टेस्ट मैचों में जीत हासिल किया है जबकि ऑस्ट्रेलिया को मात्र उन्नीस टेस्ट मैचों में ही जीत प्राप्त हुई है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वैसी पहली टीम है जिसने स्वतंत्र भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए दौरा किया था उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस तक यानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के शुरू होने तक जितने भी टेस्ट मैच उस अवधि में खेले गए ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारत से भारी था ऑस्ट्रेलिया जहां कुल 24 टेस्ट मैच भारत से जीता वहीं भारत को मात्र आठ टेस्ट मैच जीत कर ही संतोष करना पड़ा लेकिन जब से बॉर्डर गवास का ट्रॉफी शुरू हुआ है तब से भारत का पड़ा भारी रहा है और भारत कभी पीछे मुड़कर कर नहीं देखा आज के इस टेस्ट सीरीज की जीत पर टेस्ट मैच की जीत पर हिंदुस्तान की आवाज की परिवार की तरफ से बहुत बहुत भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई आज के लिए बस इतना ही आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हिंद